हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं कोको को छत पे लेके आया था और ये आते ही जो हमारे छत पे पाइप पड़ा है पानी का उस पे आके चिपट गई है, क्योंकि मैं मॉर्निंग की एक्सरसाइज कराने के लिए इसको छत पे लेके आया था टेरेस पे, क्योंकि एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है इस ब्रीड के लिए, क्योंकि थोड़ी ये मस्कुलर और एनर्जेटिक ब्रीड होती है तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये सुबह सुबह आते ही छत पे पाइप में चिपट गई और लग गई आराम से, ग्रिप लगा ली इसने बड़ी तगड़ी और खींच गई, देखो किस तरह खींच रही है। मैंने इसका टॉय बनाया था, वो मतलब कि एक वो स्कूटर का जो टायर होता है ना उसकी ट्यूब, उसका मैंने टॉय बनाया था, उससे खिलाऊंगा इसको, ये वरना पाइप तो ये फाड़ देगी, काम का है। छोड़ दे इसको, यहाँ पे रखा, ये रहा, अभी पाइप लेके आए, ये ले आया मैं इसका टॉय, ये जो ट्यूब होती है ना स्कूटर के टायर की, वो आई है, अब इसको खींचेगी, इससे खेलेगी ये। मॉर्निंग में कम से कम एक घंटा एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है इस ब्रीड को, क्योंकि मस्कुलर और एनर्जेटिक ब्रीड होती है, तो इसकी एनर्जी को हमको यूज़ करना और लगाना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, वरना आलसी हो जाती है और इसकी बॉडी भी जो पिटबुल जैसी बॉडी होती है वो नहीं रहेगी, थोड़ी ये फिर मोटी हो जाएगी। देखो बड़ी तेज़ की खींचते हैं, अभी मैंने हाथ से पकड़ रखा है, अभी मैंने हाथ से पकड़ रखा था तो ये बड़ी तेज़ खींच रही थी, हाथ छील देती, क्योंकि रस्सी पतली ना इसलिए मैंने ग्रिल से बांध दिया छज्जे पे, अब वहाँ पे बांध दिया, अभी खींचेगी जान लगा के, क्योंकि बहुत तेज़ की ग्रिप लगाती है और खींचती बहुत तेज़ की है, तो अब देखो किस तरह खींचेगी। यहाँ पे आराम से पकड़ के खींचती रहेगी बड़ी जान लगा के। ये मैंने यहाँ पे बांध दिया, कुछ इतना लंबा हो गया ये, अभी खींचेगी, चल को चल मेरे बच्चे, चल चल खींच, ये खींचेगी अब बढ़िया आराम से, अपने आप खींचती रहेगी, अब चल चल मेरे बच्चे खींच, चल को खींच रही है, अब पकड़ लिया, ग्रिप लगा लिया इसने, बड़ी जान लगा के खींचती है कोको, चल इस एंगल से दिखाता हूँ मैं, वहाँ बांध रखा है, यहाँ पे खींच रही है ये, जान लगा के खींचेगी, ग्रिप बन जाए ना एक बारी मुँह के अंदर सेट हो जाए ट्यूब, तो ये पकड़ के खींचती रहेगी बहुत जान लगा के खींचेगी ये, चल कहो इस एंगल से सही दिखेगा, चल मेरे बच्चे चल, ये पूरी शॉट आ रहा है यहाँ से लेके वहाँ बांध रखा और खींच रही जान लगा के, चल कहो। अभी ये कुछ टाइम तक खेलती रहेगी, फिर थक जाएगी तो दिन भर ये शांत रहेगी, क्योंकि एक बार जब इसकी बॉडी की एनर्जी यूज़ हो जाएगी ना तो ये ज़्यादा यहाँ से बहुत दम नहीं बचाएगी, चल को खैच। उसके बाद ये अपना जो है ब्रेकफास्ट करेगी, फिर सो जाएगी, बस इसका ये काम है, चल को देखो यहाँ से कैसे खींच रही है, हाँ ग्रिप लग गई अब, चल को खैच, चल चल मेरे बच्चे, जान लगा दी पूरी इसने ग्रिप लगा के, चल तोड़ दिया। मैं कह रहा था ना ये बहुत जान लगाती है, तोड़ दिया हमने, मैं बांध रखा था उसके अंदर, रस्सी तोड़ दिया शैतान, रस्सी तोड़ के देखो गाइस, वहाँ से इनने तोड़ दिया, मैंने चैन में बांधी थी और तोड़ के यहाँ पे लाके अब चबा रही है, चबाने के लिए नहीं है ये, तो बैठ गई चबाने के लिए, अला इसको इधर दे, दोबारा बांधूंगा खेलेगी नहीं, देखो को। और गाइस ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि ये अग्रेसिव है, बहुत ऐसी अग्रेसिव सी है, अग्रेसिव ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली है ह्यूमंस के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी, जैसी एक इमेज बनी हुई है पिटबुल की के बहुत अग्रेसिव होते हैं, अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, बस ये इसकी जो है बॉडी को फिट रखने के लिए और एक एक्सरसाइज वैसे भी ज़रूरी होती है, तो बस उसी के लिए है एक्सरसाइज, बल्कि ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, और पिटबुल अग्रेसिव नहीं होते, बस ये ओनर के ऊपर डिपेंड होता है, तो हमारी कोको तो बहुत ही अच्छी है ना कोको, ये अब खींच रही है, मैं हाथ से पकड़ के खिंचवाने की कोशिश करता हूँ, उसने तोड़ दिया, अब दोबारा बनाने में दिक्कत होगी, ये देखो कितनी जान लगाती है, बहुत जान लगाती है खींच के, ग्रिप लगा के बड़ी जान लगा के खींचती है, हाथ से इसलिए नहीं पड़ता, इसका दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा, पाइप के अंदर लगा के फिर खिलाना पड़ेगा उसको, क्योंकि बहुत जान लगाती है, एक बार ग्रिप लगा लेती ना तो खींचती चली जाती है, बड़े खींच के ले गई आको को, चल अब नीचे, बहुत देर हो गई थी खेलते हुए, इसे मैं नीचे ले जा रहा था, नीचे नहीं गई, भाग के वापस आ गई और सीधा आके इसको टायर को या ट्यूब को पकड़ लिया इसने, नीचे नहीं जाती इजीली, अब मेरे को इसको नीचे ले जाने के लिए बहुत
क्या कहते हैं, मशक्कत करनी पड़ेगी। चल नीचे कोको, नीचे चल, नीचे चलना है, आ जा। चल बाबू नीचे चल, खड़ी हो जाती है एक जगह, चलेगी नहीं। चल कोको, सुनती नहीं है, ये सब खींच के ले जाना पड़ता है। चल खींच नीचे, चल यहाँ तक आ गई पर नीचे नहीं जाएगी। अब मैं वापस आवाज़ मारूंगा ना छत में अंदर जाके, तो एकदम ही भाग के आएगी। ये देखो अभी आवाज़ मारूंगा, भाग के आएगी एकदम। कोको कोको, ये आई आके सीधा मेरे पास, नहीं पाइप पे चिपट गई। अब मैं इसको नीचे लेके आ गया हूँ, थक के आराम से सो गई, क्योंकि अच्छी तरह से इसकी एक्सरसाइज हो गई, सेटिस्फाइड हो गई है, अभी आराम से सोएगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरी कोको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डेज़ी यहाँ है, आराम से सो रही है ये, बाय बाय।